हम तो मैदानों के फर्श से आए थे और ये पहाड़ों का अर्श था। फर्श मकीम जब भी अर्श पर पहुंचते हैं तो इनका सांस रुकता है और हमारा भी रुका ही था। हमारे साथ रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे भी पसीना आया हुआ है, देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पसीना आया है और हाइक काफ़ी ज़्यादा थी। एक गांव से की चोटी की तरफ हमारा सफ़र था, ऐसा मकाम था जहां हमारे और रब के अलावा कोई न था। ये वादी इतनी खामोश के यहाँ गूंगा होने का शुबा होता है और इतनी पोशीदा कि इसमें किसी मफरूर मुजरम का गुमान होता है। ये एक पहाड़ है, उसके साथ ही आगे हमें एक और ट्रैक मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा ये पैदल ट्रैक था, हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। रात हमने थल गुजारी, वादी थल से दाएं जानब कलाम और जहाज़ बांडा की तरफ रास्ता जाता है। रात बादल खूब बरसे और हमें बहुत डराया कि रास्ता बहुत ख़राब है, मत जाओ। हमारे हौसले पस्त किए गए, हमने लोकल गाड़ी करवाई, उसने भी यही कहा कि टिकट आप की बजाय वो हमें गाम शेर की वादी में उतारेगा। हम आमादा थे और सफ़र करने के हामी थे। झूमते घूमते मुश्किल से आधा सफ़र गुजरा, हम प्यास से नढ़ाल थे, गाड़ी रुकी, फिर इस आँख ने क्या देखा कि दियार का मुश्क लगाए एक अनजान सी मस्जिद थी जिसके पहलू में दियार का तख्त बिछा था जहाँ हमने आप नोश किया। दो पोर्टर, एक बाबा जी और एक साथ उनके दूसरे साथी थे। बाबा जी की उम्र 70 साल, नाम कमांडो बाबा। टिकट ऑफ जाने वाली कच्ची सड़क से दाएं जानब एक पगडंडी सीधा गाम शेर की चोटी की तरफ जाती है। हम सब दोस्तों के लिए पहली बार बुलंद पहाड़ों का सफ़र था और ऐसी मसाफत थी जो हर दर्द भरे गीत में सुनाई देती है। हमारे हाइकर हजरात ने पहला सवाल बाबा जी से ये पूछा कि रास्ता मुश्किल तो नहीं। बाबा जी ने पहाड़ की चोटी की तरफ एक दरख्त की तरफ इशारा किया कि वहाँ तक जाना है और तकरीबन आधा घंटा तुम्हें लगेगा। तमाम हाइकर हजरात को थोड़ा हौसला आया। मेरा तलक पिंड से है, यानी कि थोड़ा सा पेंडू हूँ, इस लिहाज से रास्ते मेरे लिए इतना मुश्किल न थे। मगर जू जू हम इस चोटी और दरख्त की तरफ जाते तो ये चोटी और दरख्त हमारे से दूर भागे चले जाता। हम सब के हवास पे कटोरा झील छाई हुई थी और हम सब के दिलों में इसका नाम बार बार दस्तक दे रहा था। ये रास्ता बनाया है जी हमारे लिए, ये किसी ने हटा दिया था रास्ते से और ये दोबारा से इन्होंने लकड़ लगाई है कि यहाँ से आराम से गुजर सके। ये लकड़ नीचे गिरी हुई है, या तो बारिश हुई है या तो किसी ने हटाया और ये रास्ता दोबारा से दे दिया। आखिरकार इस पहाड़ के दरख्त को हम पर तरस आ ही गया और ये आस्ता आस्ता हमारे करीब आना शुरू हो गया। हमारे हाइकर्स हजरात में से दो तो गिरते गिरते बचे। इतना स्टीप लेवल था कि छोटे छोटे कदम रखने पड़ते थे और बारिश में यहाँ चलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। हमारी खुशकिस्मती थी
यहाँ बारिश नहीं हुई थी। लड़खड़ाते गिरते पड़ते हम में से कुछ दोस्तों की हालत ऐसी थी और कुछ की ऐसी थी। यही तो था रियल लाइफ एडवेंचर। हमारे चैनल रियल लाइफ एडवेंचर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाबा जी वाकई ही एक कमांडो थे जो इस पहाड़ का सीना चीरते हुए बुलंदी की तरफ चलते जा रहे थे। बर्दाश्त हो गया इंशाल्लाह। नाम करो एक घंटे का। मैं खोलूं? मैं खोल देता हूं उसके अंदर। एक घंटे का सफर 45 डिग्री की चढ़ाई। वो सामने पहाड़ इतना पहाड़ चल चुके हैं। ओह माय गॉड। लेकिन बहुत अब बैठ के बहुत मजा आ रहा है। खजूरें खा रहे हैं। हर निजाम है हमारे पास और इंशाल्लाह काफी इंजॉय कर रहे हैं। नौमी साहब थोड़ा सा तबीयत इनकी खराब हुई थी लेकिन अभी ये ऊपर पहुंचे हैं और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऊपर नहीं आ सकते स्टिकर के बगैर। दोस्तों टोटल जो है दियार का दरख्त है और अभी हम जहाज़ बांडा की तरफ ही जाई जा रहे हैं। जहाज़ बांडा का ट्रैक है ये, काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। आते हैं हमारे डंगर इधर चराने नहीं गए, आते हैं ये रास्ता। अच्छा ये जंगल ही है। अभी हम कौन सी जगह पे हैं? इस जगह को क्या कहते हैं? जंदरी। अभी जहाज बांडा को कितना टाइम लगेगा हमारा? ये बता रहे हैं एक घंटा मजीद लगेगा जी जहाज़ बांडा को हमारा यहाँ से पैदल ट्रैक को। इनका दोस्तों एक घंटा हमारे दो घंटे के बराबर है क्योंकि हमें अच्छी तरह वो दरख्त वाला सीन याद है। दियार के दरख्तों की छाँव के नीचे काफ़ी पैदल ट्रैक, जो मुश्किल वाला रास्ता था वो हम ट्रैक करके आ चुके हैं। अभी काफ़ी आसान रास्ता है माशाल्लाह। अगर आप एडवेंचर को लाइक करते हैं तो आपको यही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। यहाँ पे एडवेंचर टाइप की काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी हाइक है और काफ़ी बड़ा जंगल है और यहाँ पे आगे पीछे दियार के काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं। ये नॉर्मल जगह से नहीं है, ये दूसरी पहाड़ी से जा रहा है। हाँ जी ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट थी। एक आसान रास्ता टिकी टॉप से और दूसरा मौत का रास्ता गाम शेर से। हम मरते मरते बाल बाल बचे और यहाँ आने वाले लोग जो टिकी टॉप से आ रहे थे वो काफ़ी खुशो खुरम थे और बड़े मज़े से टहलते टहलते आ रहे थे। उन्हें क्या पता कि हम किन रास्तों से आए हैं और हम पर क्या मुश्किल गुजरी है। थोड़ी देर की मसाफत के बाद ये वादी हम पर खुलना शुरू हो पड़ी और बादल इस वादी के ऊपर मंडराने लगे। काफी खूबसूरत मंजर था। हमें हाइकिंग करते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके थे और ये रास्ते अभी तक ख़त्म ना हुए थे। अभी सफ़र बाकी था। दिल थोड़ा सा साइड में, ये चश्मा ताज़ा पानी आ रहे हैं यहाँ से और काफ़ी प्यारा ट्रैक था माशाल्लाह। ये लोग पैदल चल के जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत वैली है। पानी आ रहा था और यहाँ से हमने पानी लिया है।
और काफ़ी ठंडा पानी है, और आगे हम जा रहे हैं जहाज बांडा की तरफ। पैदल ट्रैक है, शॉर्टकट था लेकिन पहुंच गए हैं तकरीबन। 16 रेस बाद शुरू है, 16 रेस नौ दो तकरीबन से डेढ़ पाओ हजार पाओ का डेढ़ पाओ यानी पाओ इसके दे डेढ़ पाओ पाओ कम एक घंटा 45 में 45 में 45 पानी दियो है दस तेज को लेके समझदार मान लग दस पे तेज जा रहा है वो प्रो वाला है वो प्रो वाला है। चलो हम चलते हैं, ये हमारे से पहले फोन है काफ़ी मुश्किल चढ़ाई थी, और इस टाइम हम पहुंच आए हैं जहाज बांडा के तकरीबन पास ही हैं। तकरीबन आधा घंटा हमें और लगेगा और हम जहाज बांडा पहुंच जाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सूरज इन इलाकों में डूबता नहीं बल्कि एकदम गोता लगाता है, और शाम और उसके साथ अंधेरी रात की घटा एकदम छा जाती है। इस घटा के साथ साथ हमें जहाज बांडा का पहला हट नजर आने लगा। बाबा जी मुझसे खफा थे क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उन्हें एक और चक्कर भी लगाना था, लेकिन तुम हाइकर असरा थोड़ा हाइकिंग के लिहाज से कमज़ोर थे। भाई इधर आओ, एक मिनट चाचा। तुम जाने थे, तुम्हारे काम जाने, हमको पहुंचाना है। खुद को तुझे सौंपा था किशनता, खुद को तुझे सौंपा।